अभी आपको हम माद मादका और बहुलक तीनों एक ही साथ कैसे बनाएंगे, कैसे निज्ञात करेंगे, ये हम आपको बताए थे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे कभी कभी ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये बड़ा सीधा यहाँ वाला यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नहीं इस तरह का दिया रहता है, इसको कहते हैं अपवर्गी विधि। अपवर्गी विधि में ये दिया रहता है, और कभी कभी आपको समावेश विधि में दे देगा, ये ऐसे देखिए इसको कहते हैं समावेश विधि। जैसे 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, देख रहे हैं 40 से 44, इसमें 44 से आगे होना चाहिए ना, तो 45 से दिया हुआ है, यानी 40 से 44 इसी में, अब आगे हो गया 45 से 49, तो इस तरह का जब दिया रहे तो इसे समावेश विधि कहते हैं। किस विधि में अगर दिया रहेगा तो मेडियन या मोड ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसे चेंज करना पड़ेगा समावेश अपवर्जी विधि में, जैसे हमने यहाँ चेंज किए हैं। तो कैसे चेंज करिएगा, देखिए आप क्या कीजिएगा, 0.5 इसमें से घटा के अगिलका में जोड़ देना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, 0.5 घटाइए अगिलका में जोड़िए, 0.5 घटाए अगिलका में जोड़िए, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा अपवर्जी विधि में। जैसे देखिए 40 था ना, तो ये 40 लिखा है, 0.0 दे दीजिए, उसमें से 0.5 को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 39.5 हो गया, तो ये हो गया निम्न सीमा। अब इस 44 आगे में, तो 44 जीरो दे दीजिए, उसमें 0.5 को आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 44.5 हो गया, तो ये हो गया उस सीमा। सब में ऐसे ही करिएगा, इसमें जैसे हमने किए उसमें भी यही कीजिए, उसमें भी यही बात की करना है, 0.5 घटा कर अगला में देना है, इसमें घटाना है उसमें जोड़ना है, ऐसे करने से ये चेंज हो जाएगा अपवर्गी विधि में। और उसके बाद आप मेडियन निकालिए चाहे मोड और निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं चेंज करेंगे तो अधूरा माना जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को चेंज कर सकते हैं। आप एक बात देखिए, कभी कभी आप इस तरह का भी सवाल देखेंगे, जैसे कि एम भी यानी मिड वैल्यू दे दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसका मेडियन ज्ञात करो या मोड ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा ऐसे, तो ये कैसे बनाएंगे, जब तक क्लास इंटरवल आप नहीं बनाएगा, इस एम भी दिया रहेगा और क्लास इंटरवल उससे चेंज करके क्लास इंटरवल में नहीं चेंज करेंगे, तब तक न तो मेडियन निकलेगा नहीं मोड, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए देखिए बताते हैं। आप पहले यहाँ देख लीजिएगा कि इसमें लंबाई कितना कितना बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 10 बढ़ते जा रहा है, नहीं यानी लंबाई कितना हो गया, अगिलका में से इसको घटा के देखिए, तो 10 बढ़ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि लंबाई कितना है, तो 10 है। अब क्या कीजिए, उस लंबाई का आधा कर दीजिए, दूसरे भाग करके एल बाई टू निकाल लीजिए, तो एल बाई टू कितना हुआ, 10/2 यानी 5 हुआ, 5 हुआ एल बाई टू। अब देखिए एल बाई टू का कहाँ काम लगेगा, अब काम लगेगा यहाँ, जब एल बाई टू आप निकाल लेंगे तब आप क्या कीजिएगा, ये क्लास इंटरवल बनाने के लिए इस एम भी में से एक बार इस एल बाई टू को घटाइए और एक बार जोड़िए, घटाएंगे तो निम्न सीमा, जोड़ेंगे तो उच्च सीमा, सब में यही करना है। तो देखिए 10 था, हमें एल बाई टू कितना आया 5, तो चलिए यहाँ पे इसमें से एक बार एल बाई टू को घटाइए यानी 5 को घटाइए, 10 में से 5 घटाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये निम्न सीमा हो गया, एक बार जोड़िए तो कितना हो गया 10 और 5 15, तो ये चेंज हो गया। अब इसमें चलिए 20 आई, उसमें से एल बाई टू को घटाइए तो 20 में से इस 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, तो यहाँ लिखे 15 और एक बार जोड़िए तो 20 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 15 से 25। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सब को ऐसे ही करते हुए इसको आप एम भी से क्लास इंटरवल में चेंज कर दीजिएगा, और बाकी बारंबारता ये इसका जितना जितना दिया हुआ है, 2 है इसका, 3 है इसका, 5 है इसका, 2 है यहाँ पे, 1 है, और जैसे रहे आप ऐसे कर सकते हैं। और जब ऐसे चेंज कर दीजिएगा तब उसके बाद आप मेडियन या मोड यानी कि माध्यिका और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में ऐसा करना पड़ेगा।